हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आज आप भी सोच रहे होंगे मैं क्या आज चावल बनाना सिखा रही हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक तो आप जब भी चावल बनाएं तो ऐसे पानी निथारने वाले चावल बनाएं, कुकर के अंदर नहीं बनाएं, तो ये नुकसान कम करते हैं। और दूसरा, जो इसका पानी होता है वो हमारी स्किन के और बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, ये तो आजकल सब जानते ही होंगे। बहुत ज्यादा ट्रेंड में भी है कोरियन स्किन को लेकर, तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है। बस आप घर में एक बार तो चावल सबके बन ही जाते होंगे। नहीं तो जब भी चावल बनते हैं एक दो दिन में, तो इस पानी को आप ठंडा होने के बाद एक स्प्रे बॉटल में भरकर फ्रिज में रख सकते हैं। उसके बाद आपको जब भी यूज करना हो तो इस तरह से कॉटन बोल में लेकर आप अपने फेस पर लगाएं, तो इससे स्किन क्लीन भी होगी, एक ये क्लींजर का काम भी करेगा। और यदि डार्क स्पॉट वगैरह कहीं पे ब्लैक ब्लैक निशान है फेस पे, तो वो भी धीरे धीरे दूर होंगे। लेकिन ये कंटिन्यू डेली कर सकते हैं, या फिर एक दिन छोड़कर एक दिन भी आप कर सकते हैं। एक दिन में तो कुछ नहीं होता इसलिए, और अलग से आपको तामझाम भी कुछ अलग से चावल भिगो के ये सब करने की जरूरत नहीं है। जो डेली घर में हमारे बनते हैं उसी का आप पानी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद किसी भी फेस पैक जो यदि आप लगाते हैं फेस पे, तो फेस पैक में मिलाकर भी आप इस पानी का यूज कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। या फिर आप चावल बनाने से पहले 1 घंटा जो चावल को भिगो के रखते हैं, आप वो वाला पानी भी एक स्प्रे बॉटल में भर के यूज कर सकते हैं। तो जरूरी ही नहीं है कि चावल को बॉईल करने के बाद जो हम पानी निकलता है उसका हम उसी को यूज करें। जो बनाने से पहले, चावल बनाने से पहले जो पानी होता है, जो भिगो के रखने वाला पानी होता है चावलों का, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। जो चीज आप इजीली और आसानी से कर पाए आप उसको करिए, और साथ ही साथ हमें स्किन केयर और हेयर केयर भी हमारी हो सके। बहुत ही तामझाम वाला जो होता है वो हम ना तो यूज कर पाते हैं और ना ही फिर हमारे कंटिन्यू रूटीन में वो शामिल हो पाता है। उसके बाद आप ये हेयर्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो हेयर्स पे ऐसे स्प्रे करके आप पूरे लेंथ पे, जितने हेयर्स की लेंथ है आप पूरे लेंथ पे इस स्प्रे को लगा सकते हैं। आप स्कैल्प पे भी लगा सकते हैं, स्कैल्प के लिए बहुत हेल्दी होता है ये पानी। डैंड्रफ खत्म हो जाएगा, और यदि ईचिंग वगैरह होती है वो भी आपके खत्म हो जाएगी। और इस पानी को लगाने से स्मूथनेस और सिल्कीपन जो बालों में होता है वो तो आएगा ही आएगा, और एक अच्छा शाइन भी आएगा। चावल के पानी को लगाने के बाद आप हल्के हाथों से मसाज भी कर सकते हैं। यदि आपके बालों में ऑयल लगा है तो भी आप इसको लगा सकते हैं, और ऑयल नहीं लगा है तो भी आप इसको लगा सकते हैं। इसको लगाने के बाद आप कुछ थोड़ी देर रखिए और अपना काम करके करिए, तो बहुत आसानी होगी आपको ये अपनी हेयर केयर और स्किन केयर करने में, और आपको ये ऐसा बोझ भी नहीं लगेगा कि हमें अलग से कुछ ऐसा करना है। तो बस इसको लगाने के बाद आप अपने घर के काम करिए, उसके बाद जब आप नहाते हैं तो एक माइल्ड शैम्पू से अपने सिर को धो लीजिए, अपने हेयर वॉश कर लीजिए एक माइल्ड शैम्पू से, या फिर आप जो भी अपना शैम्पू यूज करते हैं उससे भी आप अपने हेयर वॉश कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत आसानी से, जिससे कि हम अपनी स्किन केयर और हेयर कर सकें। कुछ अलग से हम जब हम करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो हमारे डेली रूटीन में शामिल नहीं हो पाती हमारी स्किन केयर या डेली केयर। और मेडिसिन खाने की वजह से मेरी भी स्किन और हेयर बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, तो मैं भी इसको यूज कर रही हूँ। तो आप ट्राई करके जरूर देखिएगा। और आजकल तो ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में भी है चावल का पानी, आपने सुना भी होगा। तो ये की छोटी सी वीडियो और स्किन केयर हेयर केयर की आपके लिए है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।